आप हैं शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूं नीरज। आज हम सचिवालय में हैं और बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आपको दे दें कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की छठे चरण की बहाली जो रुकी पड़ी थी उस संबंध में अभी एक बड़ी खुशखबरी आई कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में बीएड 16, 18 और 17, 19 प्रीति प्रिया बनाम बिहार सरकार, जो बड़ा पटना हाईकोर्ट का निर्देश आया जिसमें 17/2/2022 को जो नियुक्ति पत्र छठे चरण के अभ्यर्थियों को मिलने वाला था माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में, और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी थी उसमें एक बड़ी खुशखबरी आई। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव ने बैठक में कहा था कि अगर 25 तक हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका पर कोई निर्णय नहीं आया तो आगे हम इनको अलाउ करेंगे। और अभी जो हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बीएड 16, 18 और 17, 19 के अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में अलाउ किया गया है। ऐसे में हमारे हाथ में बड़ा लेटर है, लेटर में जो बड़ी बात लिखी है उससे आपको अवगत कराएंगे। हम आपको बता दें कि साफ लफ्जों में यहाँ लिखा गया है कि उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए चूँकि याचिकाकर्ता बीएड की परीक्षा सत्र 17/19 में छठे चरण में आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 26/9/2019 के पूर्व उत्तीर्ण कर ली हैं एवं स्टेट प्रमाण पत्र की वैधता वैलिडिटी ऑफ लाइफ टाइम किया गया, अतः विभाग द्वारा विचार उपरांत स्टेट 2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने सत्र 17/19 में बीएड की परीक्षा निर्धारित तिथि 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली है उन्हें छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। ये बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आम अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही स्टेट 2011 जिनका परीक्षा फल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की परीक्षा दिनांक 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब जबकि 17/2/2022 को नियुक्ति पत्र मिलना वाला था और वो जो रद्द हुआ, अब इन अभ्यर्थियों से भी आवेदन लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कब ये आवेदन की प्रक्रिया आगे, कब आवेदन लिया जाएगा, इस संबंध में तिथि स्पष्ट नहीं की गई है। लेटर हमारे पास है, लेकिन बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर ये है आम अभ्यर्थियों के लिए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए कि आगे 17/19 के अभ्यर्थियों को और जो 2013 में 17/19 अभ्यर्थी जिन्होंने दोबारा टीईटी की परीक्षा पास की उनको सभी को शिक्षक बहाली में लाव किया गया। ऐसे में हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं और हम अभ्यर्थी से बातचीत करेंगे। सर, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, सर एक मिनट आप समय देंगे, अभी जो ये बड़ा जो लेटर जारी हुआ और बीएड के 17/19 के अभ्यर्थियों को जो मौका दिया गया है, आप सर 2011 अभ्यर्थी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखते हैं कि सबको शामिल करना चाहिए, लेकिन यही कदम उन्हें पहले उठाना चाहिए था। इतने समय डांगने से कोई फ़ायदा नहीं था किसी भी चीज़ को। अब देखिए, मैंने कि छात्रों में हताशा बहुत बढ़ गई थी, इसी वजह से ये कदम उठाया गया, लेकिन इसी कदम को थोड़ा पहले उठा लेना चाहिए था। ऐसे में जो लेटर हमारे हाथ में है, ये लिखा गया है कि बीएड जो 17/19 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर लिया है, इसको आप क्या कैसे समझाते हैं? आम अभ्यर्थी जो देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? इसके अनुसार अगर देखा जाए तो वो लोग जो उन्होंने फॉर्म भर चुका है, आवेदन दिया है, वैसे ही लोग इसमें शामिल होंगे जिन्होंने आवेदन कर दिया है। कर दिया है तो ऐसे में तो ये साफ नहीं किया गया है सर कि इनसे दोबारा आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने साफ ये कहा है कि जो 2011-12 टीईटी उत्तीर्ण है जिन्होंने 2013 में किया है उत्तीर्ण कर लिया, उन्हें नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अभी तक आवेदन नहीं किया है, क्या उनसे आवेदन लिया जा सकता है? मे बी चांस होता है, क्योंकि चंद्रशेखर सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर मान कि ये कैंडिडेट अगर छूटता है तो मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा। ऐसे हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है, नहीं होता है, उसके अनुसार हम। ऐसे में हमको ऐसा लगता है कि अधिकतर बच्चों ने तो आवेदन कर दिया, पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आवेदन नहीं किया, उनसे आवेदन लेने के लिए भी कम से कम 1 महीने या 15 दिन का समय दिया जा सकता है। मनोज सर से कहे थे कि होता तो 15 दिन का समय उन लोग को भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और हम आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को लगभग 15 दिन से 1 महीने का समय मिल सकता है आवेदन के लिए, इसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर बिना आवेदन के आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाई गई तो फिर हाईकोर्ट का मामला बन सकता है, ये उच्च अधिकारियों का कहना है। अभी हम सचिवालय में ही हैं और आपको बता दें कि आज जो बड़ी खबर आई है ये सबसे पहले शिक्षा सुधार आपको दे रहा है। आशा है कि इस खबर के बाद आम अभ्यर्थियों में खुशी की लहर होगी, इससे जो बीएड 2017-19 के अभ्यर्थी हैं
उनको तो खुशी है ही, साथ में स्टेट 2019 अभ्यर्थियों के लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक का ये मुद्दा समाप्त हुआ है, अब शेड्यूल के संबंध में 17-19 अभ्यर्थी जो लगातार प्रयासरत थे कि किसी भी तरह शेड्यूल निकले, अब ये साफ हो चला है कि अगले 2 से 2.5 महीने में स्टेट 2019 अभ्यर्थियों के लिए भी शेड्यूल का रास्ता साफ होगा। ऐसे में हम कोशिश करेंगे अपर मुख्य सचिव या उच्च अधिकारियों से मिलकर इन बातों पर आगे चर्चा करने की। अभी की बड़ी खबर हम आपको दे दें कि सचिवालय से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है, बने रहें जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। आगे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उच्च अधिकारियों से वार्ता का अंश आपको सुनवाएं। धन्यवाद।